मायसेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन. आज सैटरडे का दिन है, 11 o'clock. आज हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं. शायद सभी स्टूडेंट्स को पता है, लास्ट प्रैक्टिकल में हमने नस्यम कर्म के बारे में समझा था. नस्यम क्या है, कैसे नस्यम को दिया जाता है, कौन कौन डिजीज़ में हम नस्यम दे सकते हैं. आज की क्लास हमारी आई डिजीज़ पे हैं. आईज़ में प्रॉब्लम्स होने पे हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक में कौन से ऐसे ट्रीटमेंट करें जिससे हमारे पेशेंट्स को रिलीफ हो जाए. आई पहले हम समझेंगे कि आई डिजीज़ होते किस कारण से हैं. ज़्यादा कंप्यूटर विज़न पे काम करने से, या आप किसी डस्ट पार्टिकल हमारी आईज़ के अंदर चला जाता है, कोई स्ट्रेसफुल वर्क हम करते हैं उसकी वजह से आईज़ में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है. कई बार हम काफ़ी लंबा टाइम तक स्क्रीन के आगे किसी भी स्क्रीन को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी आईज़ में प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे मायोपिया हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, हमें डिस्टेंट विज़न सही नहीं दिखता है, या पास का विज़न हमें सही नहीं दिखता है. कई बार आईज़ में रेडनेस हो जाती है, कई बार उसमें से ड्रॉप टू ड्रॉप पानी निकलना शुरू हो जाता है. जब आप अपनी क्लिनिकल्स में जाएंगे तो कई बार पेशेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं कि आंखों में से पानी आता है, या एक बीमारी होती है ब्लेफराइटिस. आंखों के जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम आईलिड बोलते हैं, आईलिड के ऊपर वाइट कलर का एक सिक्रीशन होने शुरू हो जाते हैं जिसको हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं. ये ड्यू टू ड्राइनेस की वजह से, ड्राई आईज़ में ड्राइनेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है. इसके अलावा आईज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिसको हम काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया भी बोलते हैं. पेशेंट का जो अंदर का प्यूपिल का एरिया होता है, जब उसको हम विजुअलाइज़ करते हैं तो उसमें जो वाइट कलर जो है, जो ये ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, ये पूरा वाइटिश होना शुरू हो जाता है, जिसको कैटरेक्ट बोला जाता है, जिसमें पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. या आईज़ में कॉमन बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रात के समय कुछ नहीं दिखना. कई बार कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी होती हैं. ये सभी प्रॉब्लम्स ड्यू टू न्यूट्रिशियस वैल्यू, लेस न्यूट्रिशियस वैल्यू की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं. कभी भी हमें आई की प्रॉब्लम होती है तो हमें पहले अपने डॉक्टर को पेशेंट अप्रोच करता है, आई टेस्टिंग होती है. इसके अलावा हम अपनी आईज़ को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं. स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि मड पैक के द्वारा या अक्षी तर्पण के द्वारा हम अपनी आँखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं. उसके लिए संध्या रमन आधार फाउंडेशन के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, BYNS और BNYS के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, इनकी प्रैक्टिकल क्लास मैंने बताया था कि हर सैटरडेज को हमारी प्रैक्टिकल क्लास होती है. तो इस बार मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी कि कैसे हमें अक्षी तर्पण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, और किस किस प्रोसीजर्स, किस प्रोसीजर से हम पूरा इसको परफॉर्म कर सकते हैं. अक्षी तर्पण के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए, हमें दो बाउल चाहिए. उसके साथ ही स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है इंस्ट्रूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स की हम रिक्वायरमेंट होती है, जो मेडिसन्स हमने यूज़ करने हैं. जीवंती आदि घृत हम यूज़ कर सकते हैं, त्रिफला घृत हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, गो घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी तरह का कषाया की प्रिपरेशन करके हम यूज़ कर सकते हैं. कषाया बनाने के लिए हमें जैसे त्रिफला है, और जो भी हमने ड्रग्स को यूज़ करना है कषाया बनाने के लिए, सिंपल हम नेचुरोपैथी में जो हमारे पास पेशेंट्स अप्रोच करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको आईज़ में से ब्लरेड विज़न हो रहा है या आंखों में से पानी आ रहा है, उस कंडीशन में हम त्रिफला कषाया को यूज़ करते हैं. त्रिफला कषाया बनाने का क्या प्रोसीजर है. त्रिफला कषाया बनाने के लिए हमने 2 चम्मच पाउडर लेना है, त्रिफला पाउडर. हमने 200 ml पानी लेना है, जिसको हमने बॉयल करके 50 ml तक रख लेना है. 50 ml पानी को हमने छननी से छान लेना है. छानने के बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे, हमने पेशेंट को सीधे लेटा देना है. हमने एक डोम बनाना है. डोम कैसे बनेगा, माश का आटा लेके, जैसे आटे को गूंदते हैं उस तरह से आटे को लेके हमें आटे को मिक्स करना है और आटे को प्रॉपरली गूंदना है. हमारा जो आटा है ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि वो अगर वो सॉफ़्ट रहेगा तो वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में हमारे आईज़ के ऊपर नहीं लगेगा.
और ज़्यादा सख्त रहेगा तब भी हमारी वॉल अच्छे से क्रिएट नहीं होगी। हमें मीडियम उसको रख के आइज़ के ऊपर इसकी वॉल को क्रिएट करना है। इसके बाद मेडिकेटेड घी हमने धीरे धीरे से इनर कैंथस की तरफ से डालना है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये पेशेंट हमारे टेबल पे हमने इनको लिटा दिया है स्मूथली, दोनों ही आइज़ के ऊपर हमने एक वॉल क्रिएट करी हुई है और इस वॉल में हम एक ही धारा से ऑयल को अंदर डाल रहे हैं। हमने इनर कैंथस की तरफ से ऑयल को डालना शुरू करना है और कॉन्टीन्यूसली एक ही तरफ से हमें डालते रहना है। जब भी हम ये प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हमारा मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड कषाय जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आँखों में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, और कम टेम्परेचर होगा ठंडा तो अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद हमें पेशेंट को आइज़ को ओपन करने को बोलना है। धीरे धीरे वो अपनी आँखों को खोलेंगे और आँखों को बंद करेंगे, ऐसे ब्लिंक करेंगे, लुक एट माई आइज़, जैसे मैं अपनी आँखों को खोल रही हूँ। आँखों को खोलना है, बंद करना है। मेडिकेटेड घी हमारी आइज़ के ऊपर है, उसके बाद भी हमने आँखों को बंद और खोलना है ताकि वो मेडिसिन जो है वो हमारी आइज़ के अंदर जाए। अगर वो मेडिसिन अंदर जाएंगी तभी हमारे स्क्लेरा के पोर्शन को, हमारे पिपिल के पोर्शन को, हमारे कॉर्निया को ये मिलेंगी, और जो न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारे आइज़ की कम हो रही है वो न्यूट्रिशियस वैल्यू आइज़ की इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम इसको 100 टाइम तक काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 100 तक चैंटिंग करनी है। फिर धीरे से हमने मेडिकेटेड घी को निकालना है और दोबारा से मेडिसिन को वहीं पर पोर करना है। ये प्रोसीजर हम 2 या 3 बार कर सकते हैं। मिनिमम 20 मिनट्स तक हम अक्षि तर्पण कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट तक अक्षि तर्पण किया जा सकता है, और उसके बाद सारा ही मेडिसिन जो है वो हम निकाल लेंगे, एक कंटेनर में रख लेंगे। इसके बाद आइज़ को अच्छे से क्लीन कर देंगे, जो हमने बाहर वॉल क्रिएट करी है उसको निकाल लेंगे। इसके साथ अब इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक ही आई पे ऊपर हमने वॉल बनाया हुआ है। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ एक ही आई में पेन हो रहा है या रेडनेस हुई है तो आप एक आंख का भी कर सकते हो, अदरवाइज़ दोनों आंखों का साथ में भी किया जा सकता है। अक्षि तर्पण करने के बाद हमने वॉल को निकालना है और उसके बाद हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए आप त्रिफला कषाय से उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए या कॉटन का कपड़ा लेके उसको अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर गुलाब जल से हम छोटे छोटे पैक बना के उसके ऊपर रख देंगे। हमें एकदम से गर्म से ठंडा नहीं देना है, इसलिए जो भी हम चीज़ यूज़ करेंगे, चाहे हम रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं या त्रिफला कषाय यूज़ कर रहे हैं, वो हल्का गुनगुना सा रहना चाहिए। उसके बाद पेशेंट के आइज़ को क्लीन कर दीजिए। 5 से 10 मिनट तक उसको हमें थेरेपी टेबल में ही रेस्ट करवाना है, उसके बाद वो बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ सकता है। अक्षि तर्पण करते वक्त किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जब हम ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। हमारा टेम्परेचर मेंटेन्ड टेम्परेचर में हमने ऑयल डालना है। सेकंड पॉइंट, हमने हमेशा इनर कैंथस से मेडिसिन को डालना शुरू करना है ताकि वो इनर कैंथस से बाहर की तरफ जाए। यहाँ पे हमारी लैक्रिमल डक भी होती है और दूसरा हमारे ब्लड सप्लाई जो है इनर कैंथस पे ज़्यादा रहती है, तो मेडिसिन इनर कैंथस पर डालेंगे फिर वो पूरी ही आइज़ में मूव करेगी आपकी। थर्ड, हमें पेशेंट को बार बार आइज़ ब्लिंक करने को बोलना है। कई बार पेशेंट आइज़ ब्लिंक नहीं करते हैं तो उससे मेडिसिन हमारी अंदर नहीं जाएंगे। ऑयल डालने के बाद हम आँख को खुला रख के भी छोड़ सकते हैं, थोड़ी देर खोलेंगे फिर उसको बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें अक्षि तर्पण करते वक्त। अब हम किन किन को अक्षि तर्पण करवा सकते हैं? व्हाट इज़ द इंडिकेशंस? रेडनेस ऑफ द आइज, ब्लरड विजन, वाटरिंग आई या कैटरक्ट की प्रॉब्लम है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, इन सब डिजीज़ में हम आइज़ की डिजीज़ में हम अक्षि तर्पण जो है वो कर सकते हैं। अक्षि तर्पण करने के बाद हम पेशेंट को अक्षि सेक भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें एक मेडिसिन को कषाया को आई कप में लेना है और पेशेंट की आइज़ के पास को लगा देना है, तो धीरे धीरे आइज़ में वो मेडिसिन जो है अब्सॉर्ब होने लगेंगे। उसके बाद आप ये पिक पे देख सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं एक पेशेंट लेटा हुआ है और इसके ऊपर हमने आइज़ के ऊपर मड पैक दिए हुए हैं।
थॉट ट्रीटमेंट, आइज़ के लिए हम मड पैक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें मुल्तानी मिट्टी या मड, जो किसी भी फ्रेश हिमालयन मड को हम यूज़ करते हैं, जिसको निकालने का तरीका है 4 फुट नीचे अपनी बाजू के मतलब हमने उसको सुपरफिशली मड नहीं लेनी है, बिल्कुल ज़मीन के नीचे की मड को लेना है। इस मड को हमने पहले धूप में अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद इस मड को हमने रात भर हल्का पानी में एब्जॉर्ब करके रखना है। फिर ये मड जो है कंसिस्टेंसी में हार्ड मड रहनी चाहिए। हम कॉटन का प्रॉपर क्लोथ लेंगे, उस क्लोथ के ऊपर इस मड को लगा देंगे, इसका एक पैक बनाएंगे, रोल बना के इनको आइस के ऊपर रख दिया जाता है। जिनको बर्निंग सेंसेशन ऑफ द आइज़ है या ब्लडी विजन की प्रॉब्लम रहती है, उसमें ये मड पैक बहुत अच्छे से काम करता है। पेशेंट को 10 से 15 मिनट तक मड पैक दिया जाता है, उसके बाद इस मड पैक को हटा के आइज़ को क्लीन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है दैट इज़ विडालका। विडालका क्या ट्रीटमेंट रहता है, इसमें हमें जैसे मैंने बताया ब्लेफरेटिस हो जाता है, आइज़ के ऊपर के हिस्से में आपको वाइट कलर की सिक्रीशंस होने लगती है। इसमें इस पे हमने पेशेंट को सीधे लेटा देना है और उसके आइज़ के ऊपर हमने पैक लगाना है, जिसमें हम कई तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। उन सभी हर्ब्स को जो आइज़ के लिए इंडिकेटेड हर्ब्स हैं, उन हर्ब्स को हम एक पेस्ट बनाएंगे और वो पेस्ट जो है आइज़ को क्लोज़ करने के बाद आई लिड्स के ऊपर जो है ये लगा दिया जाएगा। ये पेस्ट लगाने के बाद 10-15 मिनट तक इसको ड्राई किया जाएगा। जब ये सूख जाएगा उसके बाद धीरे से इस पेस्ट को हम कॉटन के कपड़े से हटा देंगे और आइज़ को क्लीन कर देंगे। नॉर्मली हमें आइज़ 6 से 7 बार अपनी आँखों को पूरे दिन में वॉश करना चाहिए। इसके साथ साथ हम पेशेंट को जो एडवाइस करेंगे, हाई विटामिन ए की चीज़ें इसको खानी चाहिए, जिसमें कैरेट है, पालक है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स भी उनको रेगुलर लेने चाहिए। तो ये पेशेंट्स को हम एडवाइस करेंगे। स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉपिक था पूरे आई ट्रीटमेंट्स के ऊपर था, तो हम आइज़ में क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम अक्षी तर्पण कर सकते हैं, अक्षी सेक कर सकते हैं, मड पैक दे सकते हैं और विडालक का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आई थिंक ये सब स्टूडेंट्स को हमारे क्लियर हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट ऑफ संध्या रमन आधार फाउंडेशन।